ठीक स्टूडेंट्स ग्राफ थ्योरी में मेनली हमने अलग-अलग टाइप्स -अलग के ग्राफ्स के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल ग्राफ मल्टीपल ग्राफ और स्यूडो ग्राफ क्या होता है सो सिंपल ग्राफ क्या होता है अ ग्राफ विदाउट एनी सेल्फ लूप एंड विदाउट एनी मल्टीपल एज इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना ही सेल्फ लूप है और ना ही मल्टीपल एज है उस ग्राफ को हम कहते हैं सिंपल ग्राफ मल्टीपल ग्राफ क्या होता है एक ऐसा ग्राफ जहां पे मल्टीपल एजेस अलाउड है बट नो सेल्फ लूप पर सेल्फ लूप अलाउड नहीं है अ ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस आर अलाउड बट नो सेल्फ लूप उस ग्राफ को कहते हैं मल्टीपल ग्राफ देन स्यूडोग्राफ स्यूडोग्राफ क्या होगा ग्राफ इन विच बोथ मल्टीपल एजिस एज वेल एज सेल्फ लूप आर अलाउड इज कॉल्ड स्यूडोग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें मल्टीपल एजिस और सेल्फ लूप दोनों अलाउड है उस ग्राफ को कहते हैं स्यूडोग्राफ तो तीनों डेफिनेशन क्लियर है सिंपल ग्राफ जहां ना मल्टीपल एज है ना ही सेल्फ लूप है तो वो ग्राफ होगा सिंपल ग्राफ मल्टीपल ग्राफ जहां पर मल्टीपल एजेस अलाउड है बट सेल्फ लूप अलाउड नहीं है स्यूडोग्राफ जहां पे दोनों अलाउड है मल्टीपल एजेस भी और सेल्फ लूप भी उसको कहेंगे स्यूडोग्राफ अब देखना ये है कि मल्टीपल एज किसे कहते हैं और सेल्फ लूप किसे कहते हैं तभी हमें इन तीनों ग्राफ के बारे में डिफरेंस पता चलेगा तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल एज किसे कहते हैं देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे कि एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है दो वर्टेक्स है क्या वर्टेक्स वन एंड वर्टेक्स टू वन और टू के बीच में एक एज एज्रो की जिसका नाम रखा ई वन वन और टू के बीच में ही एक और एज एज्रो की जिसका नाम रखा क्या ई टू तो जो ई वन है और ई टू है इन दोनों एजेस को कहते हैं मल्टीपल एजेस क्यों कहते हैं मल्टीपल एजेस क्योंकि ये दो ऐसे दो एजेस हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या हैं सेम हैं टू एजिस और मोर देन टू मोर देन टू एजेस इज कॉल्ड मल्टीपल एज और पैरल एज इन्हें पैरल एज भी कह सकते हैं इफ देयर बोथ एंड पॉइंट आर सेम तो समझ में आया ना कि ऐसी एजेस जिनके दोनों एंड पॉइंट सेम होते हैं उनको क्या कहते हैं मल्टीपल एज और पैरल एज ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल से ड्रॉ किया हुआ है तो ये तीन भी हो सकती थी जैसे कि मैं एक और ड्रॉ कर दूं, तो ये तीनों भी क्या है मल्टीपल एजेस है E1 इज टू एंड थ्री और वी कैन से दैट ई वन ई टू ई थ्री दीज थ्री एजेस आर कोल्ड पैरल एजेस और मल्टीपल एजेस क्यों कहा जाता है क्योंकि इन एजेस के एंड पॉइंट्स सेम है ई वन के भी एंड पॉइंट्स वन और टू है E2 के भी एंड पॉइंट्स वन और टू है और E3 के भी एंड पॉइंट्स वन और टू है इसलिए इन्हें कहते हैं मल्टीपल एज अब समझते हैं कि सेल्फ लूप किसे कहते हैं ठीक है ठीके? तो सेल्फ लूप किसे कहेंगे देखिए यहाँ पे इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे एक वर्टेक्स ड्रो किया क्या वन ये वर्टेक्स हमने ड्रो किया हुआ है वन और एक एज रुक की वन से स्टार्ट हुई जो एज और वो वन पे ही एंड हो गई उस एज को नाम दिया क्या e3 तो जो ये एज है मेरी e3 इसे हम कहते हैं सेल्फ लूप तो सेल्फ लूप क्या है सेल्फ लूप एक ऐसी एज है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सेम है एन एज इज कॉल्ड सेल्फ लूप इफ बोथ दी एंड पॉइंट्स ऑफ दैट एज इज सेम उस एज के अगर दोनों एंड पॉइंट्स सेम है या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों एंड पॉइंट्स एक ही है तो उस एज को कहते हैं सेल्फ लूप। ओके तो मल्टीपल एज एंड सेल्फ लूप। क्लियर है अब समझते हैं कि सिंपल ग्राफ क्या होगा मल्टीपल ग्राफ क्या होगा और सुडोग्राफ क्या होगा तो ये एग्जाम्पल में जैसे मैंने ड्रॉ किया ये सिंपल ग्राफ का एग्जाम्पल है क्योंकि इस ग्राफ में ना कोई मल्टीपल एज है ना ही कोई सेल्फ लूप है तो ऐसा ग्राफ जहां पे ना मल्टीपल एज हो ना सेल्फ लूप हो तो वो सिंपल ग्राफ होगा तो ये दिस ड्रोन ग्राफ इज सिंपल ग्राफ इसी तरीके से हमने अब ये मल्टीपल एज का ग्राफ ड्रो किया सॉरी मल्टीपल ग्राफ ड्रो किया हुआ है सो so, ये मल्टीपल ग्राफ है बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीपल एज है तो मल्टीपल एजेस तो अलाउड है मल्टीपल ग्राफ में तो बिल्कुल ये मल्टीपल ग्राफ है अगर कोई बोले क्या ये सिंपल ग्राफ है तो नो सिंपल ग्राफ ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एज है और मल्टीपल एज सिंपल ग्राफ में अलाउड नहीं होती इसलिए ये मल्टीपल ग्राफ नहीं है ये सिर्फ सॉरी सिंपल ग्राफ नहीं है ये कैसा ग्राफ है मल्टीपल ग्राफ है अब अब इसमें सेल्फ लूप नहीं है अगर सेल्फ लूप होता तो ये मल्टीपल ग्राफ भी ना होता क्योंकि मल्टीपल ग्राफ में सिर्फ मल्टीपल एजेस अलाउड है सेल्फ लूप अलाउड नहीं है ओके okay? अब इसी तरीके से हमने मल्टीपल ग्राफ सॉरी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो देखिए यहां पे ये ड्रो uh, किया है चार वर्टेक्स है e v1, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर और एजेस है ई वन एंड दिस इज ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव तो सेल्फ लूप भी है ई टू इज अ सेल्फ लूप एंड ई थ्री ई एंड ई फोर आर पैरल एजेस तो सेल्फ लुप भी है और पैरलाइज भी है तो ये कैसा ग्राफ होगा स्यूडोग्राफ क्योंकि स्यूडोग्राफ में ही ये दोनों चीजें अलाउड है सेल्फ लुप भी और मल्टीपल एज भी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये मल्टीपल ग्राफ है सो नो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ग्राफ क्योंकि मल्टीपल ग्राफ में सेल्फ लुप अलाउड नहीं होता क्या ये सिंपल ग्राफ है नहीं सिंपल ग्राफ भी नहीं है क्योंकि सिंपल ग्राफ में भी ना ही सेल्फ लूप अलाउड है और ना ही मल्टीपल एच अलाउड है तो ये तीनों डेफिनेशन हमें क्लियर है सिंपल ग्राफ मल्टीपल ग्राफ एंड स्यूडोग्राफ तो ये बिल्कुल बेसिक्स टाइप ऑफ ग्राफ है अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि हैंड शेकिंग थ्योरम क्या होती है हैंड शेकिंग थ्योरम इज वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट ऑल्सो So, okay, bye and thank you.